और चलिए अब बुलेटिन में बात यूपी की, जहां पर मथुरा रिफाइनरी में भीषण आग लगी। आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ, 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और कई लोग जो हैं इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को आनंद फानंद में तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बता दें कि जिस तरीके से यहां पर धमाका हुआ और आग ने विकराल रूप लिया, उसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और इस कंपनी में भी अफरा तफरी जो है वो देखी गई, जिसके चलते भगदड़ भी मची। और अब देखिए इसी पर हमारे सहयोगी आदित्य कुमार की रिपोर्ट। मथुरा के रिफाइनरी में जब आग लगी, उसके बाद तेज आवाज हुआ। तेज आवाज के बाद लगभग 1 किलोमीटर का जो दायरा है वो पूरा दायरा कांप गया था। मैं मौजूद हूँ अभी तोमर गेस्ट हाउस है एक, और वहां पर जो किस तरह की स्थिति रही जो लोग हैं स्थानीय वो बताएंगे। आपसे शुरू करते हैं, कैसी स्थिति रही जब आग लगी और विस्फोट हुआ उसके बाद? मैं यहीं बैठा था गेस्ट हाउस पर, मेरे साथ भी और भी थे, तो अचानक से एक साथ ऐसा पूरी बिल्डिंग हिली, मतलब इतना धमाका हुआ बहुत तेज। मैं सोचा एक टायर फटा हुआ है, तो बाद में पता चला अंदर से कॉल आई मुझे रिफाइनरी से कि एक बीबी में फर्नेस फट गई है, तो उसकी वजह से मैं देखने भी गया। उधर बहुत काफ़ी धमाका हुआ है बहुत तेज, और आग भी बहुत काफ़ी थी। मतलब कई लोगों की शायद बता रहे हैं कि हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, घायल हुए हैं। हाँ, तो वही है रही। आपसे जानेंगे कि जब विस्फोट हुआ तो कांच, क्योंकि आपका पूरा जो गेट है वो कांच का है, कैसा था? एकदम दर्द करने लगा, और मैं MD साहब से बोला ये क्या हुआ कि कोई हवा का चक्कर है या भूकंप आया है, इसलिए ये मैंने देखा। तो ये बोले कि अभी इसके ऊपर वो फटा है, टायर फटा है, उसके बाद हो गया है उसकी वजह से बंद नहीं। फिर कमरे में से आदमी आए बन के, कमरा भी हिला है अंदर, तो इतना ही हुआ था, हमने तो इतना ही देखा। फिर बाहर गए, बाहर सुना के वन के रिफाइनरी में धमाका हुआ है, उसी के कारण। मतलब कई किलोमीटर एरिया तक ये आवाज़ गई है, मैंने कई गांव में पूछा है, बोल रहे कि हाँ हिली है, सभी को पता थी। करीब 7 बजे की घटना है ये। आप लोग कहाँ थे जब आग लगी? भाई साहब मैं ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहा था। मैं IOCL में काम, IOCL में मैं स्टडी सुपरवाइजर हूँ, जहाँ इंसिडेंट हुआ था उसके बगल वाला यूनिट में ही हैंडल करता हूँ। प्राइम जी, एक्चुअली मैं उस वक्त जब धमाका हुआ था तो पूरा रूम वाइब्रेट कर गया था, उस वक्त पता नहीं था, हम समझे कि कुछ ट्रक व्रक कुछ ये हुआ होगा। वहाँ पे जब गए तो एक्चुअल पता चला, और सबसे ज़्यादा तो शौक तब हुए जब बगल वाला पता चला, बगल वाला यूनिट में ही इंसिडेंट हुआ। आप काम कर रहे? हाँ, जहाँ हम काम करते उसके बगल वाले यूनिट में ये हुआ था इंसिडेंट, तो पता यहाँ पे नहीं चला था। हम लोग ड्यूटी के लिए निकले तो वहाँ पे CISF वाले भी बोले थे कि अंदर अभी मत जाइए, डर का माहौल है, और माहौल देखने को भी मिला था, वर्कर कुछ इधर उधर भाग रहे थे। तो हम लोग गए वहाँ पे, अंदर गए, विजिट किए, और वहाँ पे देखे तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया था वहाँ पे, डर का माहौल। अफरा तफरी उतना नहीं था उस वक्त, CISF वाले ने कंट्रोल करा लिया था, लेकिन फिर भी वो माहौल देखने को मिल रहा था। वर्कर काम करने को तैयार नहीं हो रहे थे यूनिट में, हमारे यूनिट से थोड़ा डिस्टेंस पे, 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी उन लोग को कन्विंस करना पड़ा। तो रोज के माहौल से डिफरेंस देखने को मिला, वर्कर ना के मुताबिक अंदर थे। आप जानेंगे कि जिस तरह की स्थिति रही, तो क्या पहले भी इस तरह की आग लगने की घटना रही है या किस तरीके से? नहीं, ऐसी घटना नहीं रही। मैं एक्चुअली उस टाइम मैं भी वहाँ पे एम्प्लॉई हूँ IOCL के, तो एक्चुअली जब मैं रूम से बाहर निकला तो मुझे खबर मिली कि यहाँ के जितने भी रोड पे लोग थे वो बोल रहे हैं कि कुछ आवाज़ मिलने की आई है, वाइब्रेशन की आवाज़ आई है, सब लोग घबराए हुए थे। और उसके बाद मैंने और लोगों से पता किया क्या बात है क्या नहीं बात है, तो उन्होंने बोला कि अपने IOCL में मथुरा रिफाइनरी में आग लग गई है और कुछ ब्लास्ट हुई है, ठीक है। तो ये सब हमें सुनने को मिला। तो उसके बाद हम लोग गए लोग वहाँ पे, तो सब कुछ हमारे जो सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम थे, फायर सेफ्टी वाले, सबने कमान संभाल ली हुई थी, और आग बुझ गई थी। आग का कोई भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ हुआ है वहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छा अपना रेस्क्यू जो किया है, उन्होंने बहुत अच्छा से रेस्क्यू किया है। उसके बाद हमने प्लांट विजिट किया और हमने वर्क भी किया, कोई इशू नहीं है। मतलब जिस वक्त जो घटना हुई है उस वक्त कुछ हाथ की प्रॉब्लम आने की संभावना थी, बट उस वक्त होने के बाद वहाँ पे ख़त्म हो गई वो, और हमने आराम से ड्यूटी की वहाँ पे, और ड्यूटी करके हमने नाइट ड्यूटी की, फिर हम डे में आ गए। कहने का मतलब है कि उस टाइम जब 8:30 बजे करीब हम लोग विजिट किए तो उस वक्त सब ओके था, नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल था, ओके था, नॉर्मल था। और ये 7 बजे करीब हुआ था, तो उस वक्त तो हम लोग अंदर गए नहीं थे, लेकिन जब घटना के बाद 7:30 बजे के बाद आप लोग विजिट करने गए थे। तो आप सुन रहे थे स्थानीय लोग हैं, लगभग यहाँ से जहाँ अभी हम हैं यहाँ से 1 किलोमीटर के आगे में
विस्फोट हुआ था और एक किलोमीटर का जो दायरा है वो कांप गया था, पूरा जो असर है वो एक किलोमीटर दायरे में जो है वो दिखाई दिया था। आपने सुना लोगों से, स्थानीय लोगों से किस तरह की स्थिति थी, जो बिल्डिंग थी वो कांप गई थी, जो कांच के जो दीवार थे वो कांपने लगे थे और स्थिति ऐसी थी कि कर्मचारी जो है वो काम करने में भी घबरा रहे थे। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज मथुरा। और चलिए बुलेटिन में आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, घंटों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते हैं इंडिया न्यूज।